मंगलोर में सेवक फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। इसी क्रम में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार जाति अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टीम को साथ पहुंचकर स्वच्छता अभियान चलाया। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि वह स्वच्छता अभियान को निरंतर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा वह प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि उनके विभाग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जिस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन में गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, जिस कारण यहीं से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को सरकारी संस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। आज हम लोग सीएससी गुरुकुल नारसन में हैं। मेरे साथ ग्राम प्रधान दैया की भाई विक्रांत जी हैं और हमारी समस्त टीम जो है वो सेवक फाउंडेशन के द्वारा आज ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था यहाँ की हालत जो थी बड़ी ख़राब थी। मैंने कई बार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी बोला कि यहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त करो, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से, सेवक फाउंडेशन के माध्यम से आज सफाई अभियान चलाया है। और मैंने जब यहाँ के इंचार्ज को कहा कि क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है। जबकि सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जबकि धरातल पर हालात जो हैं वो बड़े ही, मैं कहूँगा बड़े ही ख़राब है।